छठे चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के दो जिलों में जनसभा के लिए पहुंचे। इसी दौरान मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि वह पिछड़ों, दलितों, गरीबों के लिए समर्पित हैं। पीएम ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया, जिनमें मुफ्त राशन, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आदि शामिल हैं। पीएम ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों के खाते में 1000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। वहीं गरीबों को रहने के लिए पक्के घर और बिजली का बिल जीरो करने की भी बात कही। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। साथियों, 4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। भाइयों और बहनों, भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट, मेरा देश सबसे ऊपर, राष्ट्र निष्ठा। आप मुझे बताइए साथियों, मोदी गरीब, दलित, पिछड़ों के हितों के लिए समर्पित है? मोदी 5 साल तक मुफ्त अनाज दे रहा है, मोदी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दे रहा है। अब तो मोदी की गारंटी है, जितने भी परिवार है, मोदी हर परिवार के बुजुर्ग को मुफ्त इलाज कराएगा। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से मिर्जापुर के किसानों के खाते में करीब 1000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। मोदी ने 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दे दिए, 3 करोड़ पक्के घर गरीबों को और मिलने वाले हैं। ये एक एक घर लाखों रुपए का है, जो माता बहन के नाम पर मिल रहा है। साथियों, आप बिजली से कमाई कर सके, मोदी इसके लिए भी रास्ता बना रहा है। पहला तो आपका बिजली बिल जीरो, आपका बिजली बिल जीरो। इतना ही नहीं, आपके पास जो अतिरिक्त बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी, बिजली के बदले में पैसे देगी और आपको बिजली से कमाई होगी। और इसलिए मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली की योजना शुरू की है। ये शुरू कर दिया है, वादा नहीं कर रहा हूं, गारंटी चालू हो गया काम। आप ऑनलाइन जाकर के रजिस्ट्री करवा दीजिए। और ये काम करने के लिए हमारी सरकार आपके घर के छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर घर को 75,000 रुपये तक देगी। भाइयों और बहनों, ये क्षेत्र हमारे हस्तशिल्पियों का, कलाकारों का, विश्वकर्मा परिवारों का क्षेत्र है। यहां का पीतल उद्योग, कारपेट उद्योग, मिट्टी के बर्तनों का उद्योग हमारी ताकत रहा है। आपके उत्पाद देश ही नहीं, विश्व के बाजार में पहुंचे, ये काम करने में मोदी जुटा है। पहले हमने यहां 1 जनपद 1 उत्पाद योजना चलाई, अब मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आया है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को ट्रेनिंग सरकार दे रही है, आधुनिक औजारों के लिए पैसा दे रही है और बैंक से लाखों रुपयों की सीधी मदद भी पहुंचा रही है। और ये मोदी की गारंटी है, उसको पैसा मिले, इससे
हर प्रकार के बर्तन खिलौने बनाने वाले साथियों को लाभ होगा। यहां दद्दी में भी उपचुनाव हो रहा है, वहां से हमारे साथी भाई श्रवण गौर जी को भी भारी मतों से कमल के निशान पर बटन दबा करके विजयी बना रहा है। और आपको याद रखना होगा, जहां दो निशान है वहां दो अलग अलग निशान होंगे, एक जगह पे ऊपर कपलेट होगी वहीं कमल भी होगा इनका, तो आपको ये ध्यान रख करके वोट करना है। याद रखिएगा, आप सिर्फ एमपी नहीं चुन रहे हैं, आप पीएम भी चुन रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।